ओवैसी का यह कथन जो है बिल्कुल निराधार है। सबके ऊपर शक करने की इन लोगों की आदत हो चुकी है। एसआई के जो मेंबर होंगे उसमें दो मुस्लिम भी होंगे। ये फैसला ठीक है और उस फैसले के अनुरूप अगर कार्रवाई होती है तो सब दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। वाराणसी में फास्ट ट्रैक रोड का आदेश आया है कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के एएसआई सर्वेक्षण करेगी। हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला जी। सर, फैसले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब विवाद भी खड़ा हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि एएसआई तो हिंदुओं के लिए ही काम कर रही है और ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। नहीं देखिए, उसमें कोर्ट ने ये भी कहा है कि एएसआई के जो मेंबर होंगे उसमें दो मुस्लिम भी होंगे, तो ऐसी स्थिति में असदुद्दीन ओवैसी का यह कथन जो है बिल्कुल निराधार है। सबके ऊपर शक करने की इन लोगों की आदत हो चुकी है। मुझे लगता है कि भारतीय पूरा तात्विक संस्थान जो है वह पुराने स्मृतियों की खोज करता है, तो उस पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। और कोर्ट के फैसले को अगर चैलेंज देना है तो किसी ऊपर के कोर्ट में देना चाहिए, इस तरह से सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए। सर, फैसले को किस तरीके से देखते हैं, हालांकि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला है, चैलेंज किया जाएगा बाद में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है चैलेंज हो, लेकिन जो फैसला आया फास्ट ट्रैक कोर्ट का उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, आमतौर पर अगर कोर्ट ने ये फैसला दिया है तो काफ़ी दिनों से इसकी वो लगभग 30 वर्षों से यह वो चल रहा था कि भाई एएसआई के द्वारा, ये जो एएसआई के द्वारा इसको वो कराया जाए, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई बहुत आपत्ति होनी चाहिए। और ये फैसला ठीक है और उस फैसले के अनुरूप अगर कार्रवाई होती है तो सब दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। लोग जो कहते हैं वो कहना छोड़ देंगे। सर, अयोध्या के वक्त ये नारा चला था, अयोध्या तो झाकी है काशी मथुरा बाकी है, तो क्या आप काशी मथुरा में शुरुआत मानी जाए? नहीं देखिए, हम उस विषय पर नहीं जाना चाहते हैं, वो कभी का कोई नारा रहा होगा, लेकिन हम लोगों का भी एजेंडा हमेशा राम जन्मभूमि का ही रहा है। राम जन्मभूमि की इतर कोई एजेंडा नहीं रहा है, आज भी हम उस बात को मान करके चलते हैं। हमारी जो हम जो बात कर रहे हैं वो फैसले के आधार पर कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यह पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला जी, जिनका कहना है कि जो एजेंडा था बीजेपी का या फिर अन्य लोगों का, वो राम मंदिर का था। काशी मथुरा से हमको कोई मतलब नहीं, काशी मथुरा में जो कोर्ट का फैसला है कोर्ट अपना काम करेगा। प्रश्न वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।